मेरे आगे भी कोई नहीं है सीरियसली, और मेरे पीछे भी कोई नहीं है यार, मैं अकेला इस टनल के अंदर हूँ। अब तो मुझे शक हो रहा है यार कि कहीं मैं गलती से तो नहीं आ गया इस टनल के अंदर। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? राइट नाउ हम लोग है जी जोगिंदर नगर में। अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा ना तो आप लोगों को पता होगा हम लोग जोगिंदर नगर कैसे पहुंचे, और रात को हम लोगों ने जी अपने इस लोकेशन पे स्टे कर लिया था। लिटरली यार इतना मजा आया ना रात को सोने में यहाँ पे, और लोकेशन जो थी एक नंबर थी। अगर मेरे पीछे आप देख रहे होगे तो व्यू देखो कितना जबरदस्त आ रहा है यार पीछे, ये चेक करो गाइज एक बार, हरियाली हरियाली है यार। अगर आप कहीं भी नजर मार लो चारों तरफ आप लोगों को हरियाली दिखेगी। और सबसे अच्छी बात पता क्या हुई, वो जो दुकानदार है ना अंकल, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है। वो जो देखो ये जो पानी दे रहे हैं, इन्होंने हमारी काफी हेल्प की, क्योंकि यार रात को इन्होंने हमें जगह भी दे दी सोने के लिए, क्योंकि हम लोग ना आपको पता है काफी लेट हो चुके थे। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मंडी में स्टे करेंगे, लेकिन क्या हुआ यार कि हम लोगों ने एक डिसीजन बना लिया कि यार मंडी दूर है तो रात को ऐसे ट्रैवल करना अच्छी बात नहीं है, और आगे आपको पता है काफी जंगली एरिया जो आ जाता है मंडी के आसपास। तो फिर हम लोगों ने यहीं पे सोचा थोड़ा सा जोगिंदर नगर के 3-4 किलोमीटर आगे आ गया, और यहाँ पे जो है हमने अपनी कैंपिंग कर दी। ये देखो जी, ये था हमारा रात वाला महल। तो मेरे को ना रात को ठंड लगी थी तो मैंने ना अपनी जैकेट जो है वो निकाल दी थी, बाकी गद्दे वगैरह जो थे वो उन्हीं अंकल ने हमें दे दिए थे। फिर मैं आपको बताऊं तो रात को मैंने सोते सोते ना यार पूरे 4 बजा दिए। पहले तो हम लोग 3 बजे तक तो बातें करते रहे, फिर यार उसके बाद मुझे नींद ही ना पड़े। 4 को मेरे को लगता है 4 के 4:30 ना हो गया। और पीछे का व्यू देखो कितना मस्त व्यू है यार, देखो 360 व्यू आपको दिखा दूं मैं एक बार पूरा। तो ठीक है, हम लोग फ्रेश वगैरह तो जो है वो हो चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट देखते हैं। ब्रेकफास्ट अभी तो वैसे भूख नहीं है, थोड़ा आगे जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बाकी हम लोग अपनी बाइक्स वगैरह जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो देखो छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह रनिंग कर रहे हैं, और देखो हाय भी कह रहे हैं हेलो। ये आगे जी अपनी दोनों बाइक्स, आपको बताया ना कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस पे जो है वो 180 किलोमीटर का सफर तय किया है। और इस वाली बाइक में आपको पता है कल थोड़ी सी खराबी आ गई थी, खराबी मतलब ये चलते चलते ना मिसिंग कर रही थी। तो गौरव कह रहा था कि मैं इस पे नई बैटरी डलवा दूंगा, तो कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने इस पे नई बैटरी जो है वो इंस्टॉल करवा दी थी, और अब जो है इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। गौरव तो कह रहा है भैया अब सीधा लद्दाख ही चलेंगे। गौरव चले लद्दाख, और ये देखो ये यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे चल पड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुबह सुबह मैं जब उठा था ना ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 7 बजे जब मैं बाहर आया था यहाँ से, तो ये लड़के जो थे यहाँ पे रनिंग कर रहे थे। तो मैं इनसे पूछता हूँ आपका क्या नाम है? अंकित चंद्र। कहाँ से हो आप? आपका? हिमांशु। आप कहाँ से हो? गांव निकेत। आप कहाँ से हो? दीक्षु। कहाँ से हो आप? हरवाग से। और आप? रमन। आप सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे सुबह सुबह? रनिंग कर रहे थे। आर्मी की तैयारी कर रहे हो? वाह जी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और बाकी वो देखो जी वहाँ पे और भी बच्चे अभी आ चुके हैं, तो आई थिंक ये इनका ग्राउंड है, तो चलो अच्छी बात है, अच्छे तरीके से दौड़ा करो ठीक है। कौन सा स्कूल है आपका? कौन सा? वो कहाँ पे है? यहीं पे जोगिंदर नगर में ही? ये कौन सी लोकेशन है? ये गलू। ओ काफी बढ़िया लोकेशन है यार, आप लोग सीरियसली बहुत ज्यादा साथ देते हो। मैं बताऊं उन अंकल जो है ना उन्होंने रात को हमारी इतनी ज्यादा हेल्प की ना, सही बात बताओ ना गौरव? मतलब यार हिमाचली में आपको सही बात बताऊं तो यार नेचर के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी हेल्पफुल इतने ज्यादा होते हैं ना, कहीं भी इनसे हेल्प मांगोगे तो यार ऑलवेज आपकी हेल्प जो है वो कर देंगे। करोगे ना हेल्प? तो आज मेरा चैनल कौन कौन सब्सक्राइब करने वाला है घर जाके? सारे करोगे? क्या नाम है चैनल का? वाह जी वाह, शिवी देखा तूने किया सब्सक्राइब? चलो जी हंसी मजाक इनके साथ तो चलता रहेगा। अभी क्या करते हैं ना कि हम जो अपना टेंट है वो क्लोज करते हैं, क्योंकि यार अभी ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 9 बजने वाले हैं, और हम लोगों ने आज सोचा कि हम आज कुल्लू जो है वो पहुंच के रहेंगे। आपको पता है वीडियो बनाते बनाते जाना होता है और टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग जाता है। तो गौरव को तो भूख भी लग पड़ी है, तो बस इससे सब्र नहीं हो रहा है ना, चलते हैं, बड़ा टाइम हो गया। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी हम अपना जो है ये टेंट जो है वो क्लोज करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा जी अपनी बाइक्स पे। तो जी टेंट का सामान तो हमने जो है वो सारा निपेट ही दिया ऑलमोस्ट, तो ये सारे बच्चे जा रहे हैं। तो ठीक है जी, बाय, फिर से मिलोगे ठीक है?
ओके जी जाइए, आपके सर काफी देर से बुला रहे हैं आपको वैसे भी। तो ठीक है जी, हम अपना बचा बचा सामान जो है वो निपेड़ लेते हैं। ठीक है जी, हमारी सारी पैकेजिंग वगैरह जो है वो हो चुकी है, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अगर कभी भी कोई यहाँ पे आता है तो ये जो मेन रोड है ना भाई, पालमपुर से नहीं सॉरी जोगिंदर नगर से अगर आप लोग 5-6 किलोमीटर आगे आओगे तो इस तरह की लोकेशन आप लोग देख लो। तो भाई साहब यहाँ पे आपको आराम से कैंपिंग करने की जगह मिल जाएगी, एक यहाँ पे भी है, एक वो देखो वहाँ पे भी है, और ये तो ऊपर तो है ही है, जहाँ मर्जी लगा लो कैंप। तो ठीक है जी, यहाँ पे रात गुजारी हमने, किस्मत में लिखा था यहाँ पे सोना, तो ठीक है जहाँ पे लिखा है वहाँ पे तो सोना ही पड़ेगा। तो वो देखो जी, वो सामने एक मंदिर है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अपने फ़ोन वगैरह चार्जर यहाँ पे थोड़ा सा करके और वहाँ पे तब तक मंदिर में ना माथा टेक आते हैं। तो ठीक है जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है, जय माता दी। तो वो देखो जी, वो सामने एक मंदिर है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अपने फ़ोन वगैरह चार्जर यहाँ पे थोड़ा सा करके और वहाँ पे तब तक मंदिर में ना माथा टेक आते हैं। तो ठीक है जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है, जय माता दी। चलो जी, अभी हम लोग आए हैं जी, पास में मंदिर था तो मैंने सोचा चलो यार निकलने से पहले जो है वो भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया जाए, क्योंकि अभी सफ़र जो है ना वो काफ़ी लंबा है। तो पास में मंदिर था, ये मंदिर है जी, जय माँ जालपा जी की, कोई जालपा जी माता है उनका मंदिर है। गेट जो है आई थिंक बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक हो आते हैं तो वहाँ पे तो लॉक लगा है। हो चुका जी, सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं, और भैया के गद्दे जो है वो हमने यहाँ पे रख दिए, और अभी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ जो है वो लिटरली चाय पी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो यार ऐसे तो सफ़र पूरा होने वाला, आगे 5-7 किलोमीटर के बाद जो है वहाँ पे खाना खाएंगे। तो ये रहा अपना बैग, इसको मैं कैरी करता हूँ, और यहाँ पे देखो घोड़े जो है वो घास चल रहे हैं। तो ये था जी आज का व्यू, और वहाँ पे आपको पता चल ही गया हम लोगों ने कैंपिंग की थी। तो ये रहे जी भैया, इनका नाम है राजकुमार, सीरियसली बताऊँ तो भैया ने इतनी ज़्यादा हेल्प की ना हमारी रात को, मतलब कैंपिंग से लेके और हमारे खाने पीने का जितना भी अरेंजमेंट था सारा भैया ने किया, और इवन की गद्दे जो है वो भी इन्होंने हमें अरेंज करवा दिए थे। थैंक यू भैया, अगर फिर से आएंगे ना तो ज़रूर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो भैया ने बताया कि वो जो ऊपर वाले पहाड़ है ना वो बीर बिलिंग है, तो वो भी मैंने इनसे तभी पूछा, इसके पीछे बरोड वैली, इसके पीछे जो है ना वो बरोड वैली है। पैराग्लाइडिंग वैली को देख के मैंने भैया को पूछ लिया यार कि ये कहाँ पे होती है, तो उन्होंने बताया कि वो ऊपर बीर बिलिंग है, और ये है जी इनका ऑफिस पैराग्लाइडिंग वालों का। तो हमें अगर पहले पता होता तो हम लोग ज़रूर जो है वो पैराग्लाइडिंग करते, हम लोग यहीं से छलांग लगा देते, ज़्यादा अपन नहीं लगाते, ठीक है। तो एनीवे अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है भैया जी, थैंक यू जी, ओके जी, चलिए जी। हेलो जी, खूबसूरत से नज़ारे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और मंडी रह चुके हैं जी यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर। तो अभी मेरी बाइक जो है वो शिवी चला रहा है, तो सुबह क्या हो गया ना हम लोगों ने बाइक जो है वो कोल्ड स्टार्ट नहीं की यार, तो उस वजह से हमारी बाइक जो है वो मिस करने लग पड़ी थी बीच में। तो अभी हम लोगों ने इसको कोल्ड स्टार्ट रहने दिया अच्छे तरीके से, और अभी जाके जो है वो अच्छे से बाइक चली है। अभी भी कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं। शिवी जी कैसे हो? ओके, तो अभी हम लोग देख रहे हैं यार कहीं पे ना अच्छी सी जगह में रुक के ब्रेक लगा के तो ब्रेकफास्ट कर ले। फाइनली गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी मंडी शहर में, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो मेरे सामने जो है वो है जी मंडी शहर। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 3 किलोमीटर बाद जो है ये शहर आ जाएगा, और ये देखो साथ में जो है ब्यास नदी साथ साथ चल रही है ना मजे। अभी हम लोग सोच रहे हैं यार कि नीचे जाते हैं और थोड़ा सा चिल करते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने जो है वो कुल्लू में स्टे करना है, और कुल्लू में हम लोग आपको ना बिजली महादेव के मंदिर लेके चलेंगे। तो सामने वो देखो एक मंदिर वो भी है। अभी एक बात बताऊं आपको, गौरव इतना ज्यादा परेशान है ना, तो ये खुद ही बताएगा गौरव क्या बात है, बता नहीं सकता बट बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग बता नहीं सकते, कितनी दुविधा में फंस चुका है ना ये लड़का, लेकिन कोई बात नहीं, दुविधा आती जाती रहती है, और ऑलमोस्ट उसका सलूशन है वो भी निकल चुका है, सही बात है ना। चलो मजा भी आ रहा है साथ साथ, मजा भी आ रहा है यार, ऐसी बात नहीं, परेशानी हो तो ही मजा आता है, सही बात है। दोनों चीजें सेपरेटली चढ़ते रहे ना बराबर बराबर, तो ही सफर में, हाँ सफर में मजा आता है। और तू बता भाई तेरा क्या हाल है? भाई मजे आ रहे हैं, इसके तो मजे हैं, इसके ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है।
अभी मैं बताऊं टेम्परेचर यहाँ का क्या है ना, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 27-28 होगा है ना, गर्मी समझ लो आप, लेकिन इस बंदे को फिर भी ठंड लग रही है। वाह जी क्या बात की तूने। तो ठीक है जी, आंखों में काफी ज्यादा दर्द हो रही है और हमने जो है वो चश्मा डाल लिया। अभी हम लोग जो है वो मंडी रुकेंगे और भाई पहले खाना खाएंगे, ठीक है? तो ठीक है जी, जल्दी से चलते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। चले गौरव जी, चलो खुश हो? बिल्कुल बढ़िया यार। एक तो मंडी की गलियां इतनी छोटी छोटी है ना, एक्चुअली शहर इतना खूबसूरत है लेकिन गलियां जो है काफी छोटी छोटी हैं, और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक गली से निकल रहे हैं फिर से उसी लोकेशन में आ रहे हैं, दूसरी गली से निकल रहे हैं फिर से उसी लोकेशन में आ रहे हैं, और ये मेरे को लगता है मंडी का मेन मॉल रोड टाइप सा बना है। धीरे भाई धीरे। कहीं पार्किंग देखते हैं, ठीक है? एक तो समझ ही नहीं आ रहा यार, पूछना पड़ेगा किसी से। तो फाइनली 20 रुपये पार्किंग देख के हम लोगों ने गाड़ियां जो है वो पार्किंग में लगा दी अपनी बाइक्स। तो अब हम लोग चलते हैं जी आगे, गौरव चला गया है और आपको ना मंडी शहर दिखाते हैं जाके। हमने वैसे सोचा नहीं था कि अंदर आएंगे, लेकिन यार हमें पता है अब ना कुल्लू तक कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो फिर सोचा यहीं से कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ देखो कितनी मिनी शॉप्स हैं जो लगी हुई हैं। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया जी, और जो टहलते टहलते हम लोग पहुँच चुके हैं जी इंदिरा मार्केट मंडी में। तो ये मंडी की इंदिरा मार्केट है, और सबसे बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ जी, ये देखो आई लव मंडी। तो अभी हम लोगों ने सोचा था कि हम यार पूरा मंडी शहर जो है वो घूमेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आई है, ये शहर छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी टाइम चाहिए पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये नीचे पार्क है, ये सही है यार, अच्छा पार्क बनाया है जी। अभी हम लोग सोच रहे हैं जी पार्क में चलते हैं नीचे, तो गौरव नीचे चले पार्क में चलते हैं। चलते कुछ खरीदना तो नहीं है यहाँ से? नहीं नहीं कुछ नहीं लेना, पार्क में जाना है, बड़ा ही प्यारा सा पार्क दिख रहा है दूर से। हाँ खरीद भी बंदा ले, लेकिन एक्चुअली यार क्या है ना कि सामान कैरी करने भी अभी और कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? इतना सा ही लाने में इतनी दिक्कत हो रही है हमें, कैसे ले जाएंगे? चल हो तो बात अलग है। सही बात है तेरी भी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगर कुछ अच्छा सा मिलता तो ले लेंगे। तो पहले चलते हैं जी नीचे। कितना नीचे जाना हो रहा है, ये लास्ट है ना? फाइनली अभी ना हम लोग पार्क में बैठे हैं, और अभी मजाक जो है हमारे बीच में ये चल रहा है, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग हिमाचल जाएंगे और ठंडी ठंडी वादियों का जो है वो इंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ है, यहाँ पे आके गर्मी बड़ी लग रही है। सीरियसली यार मेरे को लगता है हमारे वहाँ पे गर्मी कम है और यहाँ पे नहीं, पर ये गर्मी है अभी इधर ही है, पीछे नहीं थी गर्मी, पीछे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो फिर वो है ना पेड़ की छांव वगैरह की वजह से वो जो है ना हवा अच्छी चलती है। लेकिन यार अभी सीरियसली बताऊँ यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे पेड़ की छांव ले ली है, अभी बढ़िया और डाबे डूबे उस वजह से यहाँ गर्मी बढ़ी है, कंजेस्टेड एरिया है सारा। हाँ सही बात है यार। तो यहाँ पे एक बुद्ध का मंदिर दिखा है, तो हम लोग सोच रहे हैं यार चलो अंदर एक बार हो आते हैं। तो फिर बाइक जो है हमने यहाँ पीछे वो पीछे वहाँ पे पार्क की है, तो यार खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद ना लिटरली अब चलने का मन नहीं कर रहा है ना। लेकिन गाइस अभी ना यहाँ पे हमें बैठने की जगह जो है वो मिल चुकी है, और हमने ना यहाँ पे बुद्ध जी का मंदिर देखा, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो आए हैं, और यहाँ पे यार सीरियसली जिसको जहाँ पे छाया मिलती है ना वो वहीं पे बैठ जाते हैं। मंडी में गर्मी है, चलो कुल्लू मनाली में थोड़ा सा फ़र्क होगा है ना? बिल्कुल गर्मी है वहाँ पे भी, चलो वो तो बात की बात है, वहाँ मैं तो टेम्परेचर देख रहा हूँ तो वहाँ पे तो बारिश बता रहा है, बारिश लगी हुई है। अगर बारिश ना हो यार, है बारिश ना हो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और तू कहाँ गायब हो जाता है 10-10 मिनट के बाद? मंडी एक्सप्लोर कर रहा है। तो गाइस एक बात मैं आपको और बताऊँ, गौरव ने भी अपना चैनल जो है वो स्टार्ट किया, और इसका फर्स्ट ब्लॉग जो है वो भी कुल्लू मनाली का आएगा, तो जाइए प्लीज। तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब, मतलब कल तो नहीं, एक दो दिन बाद जरूर आ जाएगा, क्योंकि इसको एडिटिंग करने में टाइम लगेगा, तो इसका चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करना, एंड करो यार कुछ, हल करो यार कुछ, जाना है यार अभी बड़ी गर्मी है, अभी हम चलते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं आज जो है ना वो कुल्लू में स्टे करेंगे, कुल्लू में हम लोग सोच रहे थे बिजली महादेव जी का मंदिर जो है ना वहाँ पे आज ही जाएंगे, लेकिन क्या है ना
हमें लगता है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, तो इस वजह से आज तो वो नहीं एक्सप्लोर हो पाएगा, लेकिन कल हम लोग कोशिश करेंगे कि बिजली महादेव जी का मंदिर आपको ज़रूर दिखाएं। बाकी हम लोगों ने बाइक जो पार्क किए ना वो ऊपर वहाँ पे की। हम लोग आ चुके हैं फिर से पार्किंग में और अब जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से। तो ठीक है जी, अलविदा करते हैं हम मंडी को, तो अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो यार फिर से आएंगे। चले गौरव, चलो जी, चलो चलो चलो। अभी ना हम लोग आ चुके हैं मंडी शहर से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर आगे, और मैं आपको बताऊं यार, ये जो ऊपर है ना ये रोड जा रहा है, और इस रोड पे अभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी पड़ी है ना, हमने वो 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर करते हैं, मैं लिटरली आपको बताऊँ तो ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा लगा दिया सिर्फ 5 किलोमीटर कवर करते, क्योंकि यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, मेरे को लगता है ऊपर मनाली और कुल्लू में इतना ज़्यादा क्राउड होने वाला है ना। तो अभी जो हम खड़े हैं वो है जी, ये देखो क्या नज़ारे हैं इस वक्त देखने वाले। इस वक्त हम है जी ब्यास नदी के बिल्कुल साइड पर खड़े हुए, तो यार यहाँ पर और भी थे वैसे, हम नहीं हैं, इनको देख के हम आए हैं वैसे, तो ऐसी बात ना हो जाए कि यार हैं एक ने कुएं में छाल मारी तो सभी चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कि हम लोग सोच रहे थे यार पानी के साइड पे, हम आपको कह रहे थे ना पीछे भी कि हम ना पानी के साइड पे जो है वो थोड़ा जाएंगे, थोड़ा ना ऐसे चिल करने के लिए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे तो रास्ता था नहीं मंडी में, तो अब ये रास्ता जो है हमें यहाँ से मिला यार, कि यहाँ पे ना मुँह हाथ धोया जाए। पहले हम लोग सोच रहे थे कि नहा लें, लेकिन हम लोग सुबह भी नहा के आए थे, तो अभी नहाना कुछ बनता नहीं है ना गौरव। बिल्कुल बिल्कुल, तो यार सिर्फ एक ना मुँह हाथ धो लेते हैं, ऐसे इतना चिल्ड पानी है आपको पता है, ऊपर बर्फ से आ रहा है पानी, तो चिल्ड तो होगा ही यार, ठीक है ना। ये जी ठंडा कितना है, ठंडा पानी तो काश भी जाने भी धो लिया, मुंह वगैरह शिवी ने भी धो लिया, तो पूछते हैं काश भी को कि आगे क्या करना है। तो अब काश भी आगे क्या करना है, आगे बस अभी कुल्लू की तरफ निकल जाना है, और कोशिश करेंगे कि सही टाइम पे पहुंच पाए, क्योंकि ज्यादा अंधेरा नहीं लगाएंगे। आज क्या करना, कैंपिंग करना, क्योंकि आज भी हमने कैंपिंग ही करनी है, क्योंकि इनको कैंपिंग का क्रेज इतना ज्यादा हो चुका है ना, कैंपिंग का जो मजा है ना भाई वो पहाड़ों में वो अलग ही मजा है। इनको कैंपिंग का क्रेज जो है इतना ज्यादा हो चुका है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर अगर हम लोगों ने कैंप का सामान जो है वो कैरी किया, इतना स्ट्रगल किया, तो हम लोग कैंपिंग ही करेंगे। चलो यार जैसे ये कहते हैं वैसे उनकी भी सुन लेते हैं, तो नज़ारे देख लो कितने जबरदस्त आ रहे हैं। टाइम हो चुका है जी दोपहर के 3 बज चुके हैं, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी पेंडोन डैम में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये पेंडोन डैम है, और आप लोगों को पता होगा यार कि ये डैम जो है ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है, और ये आर्टिफिशियल डैम है। तो लगभग कुल्लू अभी यहाँ से रहता है 50 किलोमीटर, और हमारी हालत देख के आपको पता लग ही रहा होगा हम लोग यार कितने ज्यादा थक चुके हैं। ठीक है अभी आगे चलते हैं ना, तो थोड़ा ब्रेक ले लेंगे यार। आपको बता दूं जी हम लोग जो है बहुत ही गलत जगह अभी रुके हुए हैं, वहाँ पे हम लोग रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रुकने नहीं दिया, तो वो कह रहे थे थोड़ा सा आगे रुक लो, तो मैं तो चलो गौरव का वेट कर रहा था इसलिए अच्छी छाया देख के तो यहाँ पे रुक गया। तो ये है जी पेंडोन डैम का व्यू। और असली वाला व्यू तो डैम का यहाँ से दिखता है जी, ये चेक करो गाइस, नीचे से रोड आ रहा है और ऊपर देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चल रही हैं यार। चलते चलते जो है वो बोर्ड दिख चुका है, और आप देख सकते हो मनाली 86 किलोमीटर है और ले जो है वो 512 किलोमीटर है। तो जी अभी आप लोग देख सकते हो कि 4 लाइन रोड भी इसके साथ साथ स्टार्ट हो चुका है, और अभी वैसे कुल्लू आना है, फिर कुल्लू के बाद आपको पता है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर अराउंड 45 किलोमीटर जो है वो मनाली आ जाएगा।
भाई साहब इस रास्ते में एक ही खतरनाक बात आ रही है, ऊपर से पत्थर इतनी तेज आ रहे हैं ना तभी आप लोग देख रहे होंगे सभी गाड़ियां कितनी जल्दी से निकल रही हैं। क्योंकि यार मैं भी पीछे था ना तो एक पत्थर आया मेरे सामने इतनी तेज, चलो यार मैं भी यहाँ से जल्दी से ही निकलता हूँ क्योंकि रास्ता जो है बड़ा कंजेस्टेड है यार, आप लोग खुद ही देख रहे हो ट्रैफिक तो यार कई गुना ज़्यादा है इस रास्ते के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है सिर्फ 50 की। मेरे आगे भी कोई नहीं है सीरियसली, और मेरे पीछे भी कोई नहीं है यार, मैं अकेला इस टनल के अंदर हूँ। अब तो मुझे शक हो रहा है यार कि कहीं मैं गलती से तो नहीं आ गया इस टनल के अंदर। नहीं 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 है, गाड़ियाँ जा रही है यार, आगे मिल गई गाड़ी। इस टनल के अंदर यार हवा इतनी ज्यादा चल रही है ना, क्योंकि इसके अंदर यार काफी बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन जो हैं वो लगाए गए हैं और एमरजेंसी गेट, हर एक चीज इस टनल के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगी। इस रास्ते में तो सच में मैं पहली बार आया हूँ और ये न्यू रोड जो है वो बना है भाई कुल्लू के लिए। मजा आ गया यार सीरियसली इस टनल के अंदर जाने में। और टनल आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर तो ज़रूर होगी होगी यार, इतनी तो मेरे को लगी। चलो यार गौरव जो है वो आगे चला गया तो मैं भी चलता हूँ, प्यास बड़ी ज़्यादा लगी यार, पहले पानी पीना है। कसम से कह रहा हूँ यार मनाली का हाईवे इतना अच्छा बन चुका है ना, और वो देखो ऐसे जाते हैं ये बाइकर्स। हाँ तो मैं कह रहा था यार पहले जो था वो कुल्लू से लेके मनाली तक का रोड था ना, आई थिंक वही डबल रोड था और सबसे बेस्ट रोड था। और मैं लास्ट टाइम जब आया था ना तो ये वाला रोड पे ना काम जो था कंस्ट्रक्शन का वो लगा हुआ था, लेकिन अब आप लोग ना सीरियसली कह रहा हूँ जब आप मंडी से तकरीबन 5-10 किलोमीटर आगे आ जाओगे ना तो पूरा हाईवे आपको ऐसे मिलेगा यार, 4-लाइन हाईवे। हाँ जी 4-लाइन हाईवे आपको ऐसा मिलेगा, मतलब मैं कहता हूँ यार कि आप लोग ऑलमोस्ट ना यार मंडी से लेके कुछ भी नहीं यार, अगर हम तो काफ़ी रुक रुक के आए हैं तो अगर आप चाहो तो सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में मंडी से लेके यार मनाली तक पहुँच सकते हो, सीरियसली ये सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। चलो जी वो कहीं नीचे चले जाइए, करते हैं उनको फॉलो। हाँ जी तो टाइम हो चुका है जी, शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग इस वक्त हैं जी कुल्लू में। एक्चुअली पूरे प्रॉपर कुल्लू सिटी में नहीं है, कुल्लू से ऑलमोस्ट जो है 1-2 किलोमीटर पीछे होंगे। वो हम क्यों है क्योंकि यार हमें ना कैंपिंग करनी थी जैसे कि आपको पता है, और कैंपिंग करने के लिए हमें इतनी प्यारी लोकेशन मिली है ना। साथ में आपको बताऊँ मैं राफ्टिंग के लिए जो है वो नदी भी साथ साथ में चल रही है, और अगर हम लोग देखेंगे आपको पता है इस वक्त टाइम जो है वो 7 बज रहे हैं, तो अगर तो अभी राफ्टिंग हुई तो ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बंदा जो है राफ्टिंग के लिए बहुत कह रहा है। क्यों भाई इतना क्यों कर रही है राफ्टिंग है? राफ्टिंग जरूरी है, इतनी दूर है राफ्टिंग नहीं की तो क्या फायदा? तो अगर अभी नहीं हुई फिर कोई बात नहीं, देखेंगे नहीं। चलो ठीक है वो हम लोग कोशिश कर लेंगे, लेकिन मैं आपको पता है पहले ना जगह दिखा देता हूँ यार। ओ माय गॉड ये चीज चेक करो आप पहले, और वो देख रहे हो वहां पे ये देखो जी वहां मैं आपको थोड़ी देर बाद में लेके चलता हूँ। और वो जो देखो ये जो भैया बैठे हैं ना, हमने इनको पूछा कि हम लोग यहाँ पे जो है वो कैंपिंग कर सकते हैं, इन्होंने कहा यार आराम से करो क्योंकि कैंपिंग ऑलमोस्ट जो सभी लड़के जो भी आते हैं कैंपिंग वाले वो यहीं पे करते हैं, और हमें भी किसी ने यहीं पे भेज दिया, तो ऐसे भटक के ही बेशक हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो एनीवे यार अभी वो देखो हमारी बाइक्स जो हैं वो ऊपर खड़ी हैं, वो देखो जी हमने उसको बोला क्योंकि यार यहाँ पे नीचे बाइक आना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी छोटा रास्ता है हम लोग बना लेंगे जी। तो ठीक है हम लोग टेंट वगैरह जो है सेट करते हैं, लेकिन पहले मेरे को लगता है गौरव खाना खा के आना पड़ेगा यार। खाना पड़ेगा। पहले सामान वगैरह रखते हैं, बाइक लेके चलते हैं फिर खाते हैं कुछ। सामान ऐसे कैसे रखेंगे यहाँ पे कोई आई नहीं है ना, सामान भी हम लोग जो एक काम करते हैं साथ में ले जाते हैं, ठीक है? तो फिर खाना खुना खा लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या है कि कैंपिंग करेंगे, और अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो है बोनफायर भी करें यार, ठीक है गौरव? बिल्कुल साथ में। यार मेरे कपड़े देखो कितने गंदे हैं यार, मैं ना 2 दिन से ये जो है एक ही जॉगर डाल के रखा हुआ है मैंने, तो ठीक है यार जॉगर इसलिए डाला क्योंकि आपको पता है राइड पे ऐसे जाना तो यार गंदे ही होंगे, तो मैंने सोचा यार यही डाल लेता हूँ।
तो ये कोशिश करूंगा अगर ये धोया गया मेरे से तो धो लूंगा यार, ठीक है। बाकी चलो जी जैसे ठीक लगे, बाकी लोकेशन देखो जी एक नंबर सीरियसली। और हम लोग टेंट लगाने वाले हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि टेंट जो है वो उस साइड लगाएं पानी के पास। पहले तो यहाँ पे भी पानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यार यहाँ पे जो है आगे रास्ता नहीं है जाने के लिए, तो वैसे ये तो हरी भरी जगह जो है ना ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ठीक है हम लोग बाइक से जो है वो लेके आते हैं। अभी सही बताओ ना तो हमसे यार चला भी नहीं जा रहा, तो अभी वहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। आ जाओ गोरो फिर। नहीं यार वो नहीं माने यार टेंट के लिए। अब क्या रोड है साइड पे सो जाएंगे और क्या ऐसा करो। क्या करना है, ये देखो बाइक यहाँ पे लगी हुई है, इधर ही लगाना है हमने टेंट तो सो जाना है। सही बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। फिर खाना खाना। हाँ जी अब सीधा लद्दाख ही रुकना है। लद्दाख है और क्या, आ तो गए हैं इतनी पास। नहीं यार लद्दाख कहाँ जाना था। क्या शिवी कोई बात नहीं हमारे पास तैयार है। शिवी शिवी को पूछी जो सामान उठा रहा है। नहीं सही बात बताओ, मैं लद्दाख हम तो घर से तो यही सोच के आए थे कि चलो लद्दाख तक तो नहीं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा आगे गए तो सोचा ही था हमने ले लद्दाख एक ही बात होगी। वैसे ले पहुंच के तो लद्दाख ही पहुंच गए, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, देखते हैं अगर अच्छा रहा तो ठीक है, सब कुछ नहीं हुआ तो यार ठीक है मनाली से हमें वापस जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस हमारा कैंप जो है वो लग चुका है फिर से। कल भी हम लोगों ने कैंपिंग की थी, वो आपको बताया, आज भी हम लोगों को एक्साइटमेंट थी कि हम जो है वो कैंपिंग करेंगे। और जो आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया ना, तो उसी लोकेशन पे हमने जो है वो कैंपिंग कर ली है। खाना खाने हम लोग गए हुए थे, पास में था 2-3 किलोमीटर, तो वहाँ से खाना खा के जो है अभी वापस आ चुके हैं। और किसी ने तो हमें डरा भी दिया यार कि आप जो है वो शमशान घाट पे ना कैंप लगा रहे हो। एनीवे कोई बात नहीं, पास में जो है फॉरेस्ट वालों का ऑफिस भी है, इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, और भी लोग हैं पास में। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको जो है आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ए शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय भारत। ने सोचा कि कहीं बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं छाँव में, तो हमें छाँव में जगह मिल चुकी है और मैं और आकाश भैया बैठ चुके हैं और हमारा दूसरा साथी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। दूसरा साथी गायब हो गया, वो गायब हो गया, उसको ढूंढना पड़ेगा अब। चलो गर्मी बढ़ी है, साथ में बैठ के 2 मिनट वगैरह बैठते हैं और बातें बातें करते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। सीन गलत है, ऐसी कटिंग ना चल रही है। हाय गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस गौरव ने भी जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और आज इसका पहला ट्रायल है, ठीक है। तो जाओ जी देखो जाके इसका ब्लॉग।